जिले के पलसुत में राजपुर रोड स्थित आशीष क्लिनिक झोला छाप डॉक्टर किशोर पाटीदार के क्लिनिक पर 7 वर्ष बालिका नवादी पिता बिहारी गांव झाड़कोला की उपचार के दौरान इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से बालिका की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि नवादी पिता बिहारी गांव झाड़कोला 7 वर्षीय बालिका की बुखार आने पर डॉक्टर ने इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बालिका की हालत बिगड़ने लगी, जिसे निजी वाहन से सेंधवा ले जाया गया, जहां रास्ते में ही बालिका ने दम तोड़ दिया। परिजनों की शिकायत पर पलसुत पुलिस ने फर्जी डॉक्टर किशोर पाटीदार के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। हाल सिंह नाम है मेरा, बाप का नाम लोहजिया है, ग्राम झाड़ा को रहता हूँ मैं। बच्ची मतलब मेरे 7 साल की थी। कल शाम को बुखार आया था थोड़ा बहुत, और सुबह 8 बजे बकरे चराने गए तो बोलते थे कि पापा मुझे बुखार आ रहा है, ऐसे करके ना पलसुत अस्पताल में लाए थे प्राइवेट में। किशोर पाटीदार करके डॉक्टर है, उसके पास लाए थे। यहाँ ला के एक इंजेक्शन दिया तो ज़्यादा बेहोश हो गए, दूसरा दिया तो ज़्यादा बेहोश हो, उसने पास फिर 2 गोली खिलाई दी, 3 गोली मुँह में डाल दी। उसके बाद बोलता कि अभी सेंध वाले जाना पड़ा, मेरी गाड़ी से सेंध वाले जाता करके 5 किलोमीटर जाने के बाद लड़की वहीं ख़त्म हो गई। वापस आए पलसुत में आके कहते थे वो कि कोई समझौता कर लो। हमने बोला कि सर समझौता मत कहीं करना है, रिपोर्ट लिखवाने करके थाने पर आ गए, यहाँ आके रिपोर्ट लिखवा दी। उसके बाद फिर वो पोस्टमार्टम पर है वो लड़की। क्या FIR हो गई, दर्ज करवा दी? FIR दर्ज करवा दी। अभी 7 वर्ष बालिका की मौत हुई है, क्या मामला है पूरा? हाँ, उसके संबंध में ग्राम झाड़कों से बिहारी पिता लाल सिंह 7 साल की बच्ची के संबंध में आया था। उसने ये बताया था कि बच्ची को मामूली सा बुखार आया था, उसके बाद सुबह जब बकरी चराने जा रही थी तब भी उन्हें यही बताया था कि दादा मेरे को फिर बुखार आ रहा है। तो दोनों दादा पोती बच्ची को मोटरसाइकिल से पलसुत में लाए, जहाँ पे एक प्राइवेट आशीष क्लिनिक है, जहाँ पे डॉक्टर किशोर पाटीदार हैं, उनको चेकअप कराया। डॉक्टर साहब के द्वारा बच्ची को एक कमर में इंजेक्शन लगाया, उसके थोड़ी देर बाद में बच्ची बेहोश होने लगी। तो डॉक्टर साहब ने फिर एक दूसरा इंजेक्शन कमर में लगा के बच्ची की 3 गोलियाँ मुँह में डाली और बोले कि इनको सेंधवा ले जाओ। तो डॉक्टर साहब की गाड़ी से ही सेंधवा उसको ले जा रहे थे, लेकिन दोनवाड़ा जाते जाते बच्ची एक्सपायर हो गई, तो उसको वापस लाए। फिर उन्होंने सूचना करी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन दवा गोली देने से ही मेरी बच्ची की मौत हुई है, जिस पर से मैंने मर क्रमांक 25/19/174 में कायम किया है। बच्ची का डॉक्टरी पैनल से PM कराया जा रहा है, बाद PM जैसी सूरत होगी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कोई घटना घटी है डॉक्टर के द्वारा? अभी तो फिलहाल मेरी जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो मैं रिकॉर्ड दिखवा के वो भी शामिल कर लूँगा, उसकी भी जाँच करा ली जाएगी। क्या समझौते की बात भी सामने ही है?